हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का ब्रॉडवे ए टू ई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ब्रॉडवे ए टू ई लेकर आता है बहुत सी ऐसी इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन आइल्स कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं इंग्लिश में खुद को एफिशिएंट बनाना, अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। और साथ ही साथ हम आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स देते रहते हैं आइल्स के चार मॉड्यूल्स के ऊपर। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आई हूँ कुछ ऐसा स्पेशल और कुछ ऐसा ही इनोवेटिव जो कि इंग्लिश लर्नर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आमतौर पर याद करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है या वो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके स्पेलिंग्स को लेके या उनकी प्रोनंसिएशन को लेकर। सो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कुछ ही ऐसे वर्ड्स की जिन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। दोस्तों, मेनली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होमोफोन्स क्या है। होमोफोन्स कहते हैं उन वर्ड्स को जिनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है बट उनकी स्पेलिंग या उनका मतलब जो है वो कुछ हद तक अलग रहता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही होमोफोन्स की एग्जांपल बताऊंगी जिससे कि आप अपनी कंफ्यूजन को स्पोकन इंग्लिश या आइल्स में दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल की, जैसे एट एंड एट। अगर मैं बात करूं यहाँ एग्जाम्पल लिए गए फर्स्ट वर्ड की जिसका मतलब है एट, दैट इज ए टी ई, तो दोस्तों ये एक फॉर्म ऑफ वर्ड है ईट की, दैट मीन्स के कुछ पास्ट में या कुछ खाया गया था। इसी के अलावा मैंने दूसरा वर्ड लिया है एट, दैट इज न्यूमेरिक एट, इट्स ई आई जी एच टी। दोस्तों, अगर आप देखें तो इनकी प्रोनंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है बट इसका मतलब और इसके स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस जरूर है। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल है सीरियल, लाइक सी ई आर ई ए एल। सीरियल का मतलब होता है लाइक जैसे आप ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स खाते हैं उन्हें हम सीरियल कहते हैं। उसी तरह से सीरियल वर्ड एस ई आर आई ए एल का मतलब है डेली सोप्स जो कि टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से वर्ड्स हैं जैसे कि बाय, बी यू वाई, दैट मीन्स कुछ परचेज करना या कुछ खरीदना। इसका ऑपोजिट बाय दो तरह से होता है, जब हम किसी को गुड बाय बोलते हैं या जब हम किसी को मिलकर जाते हैं तो उस टाइम पे आप बाय बोलते हो, दैट इज बी वाई ई, या फिर हम बाय दौरान, किसी चीज के दौरान भी हम किसी चीज के थ्रू है तो हम बी वाई के साथ भी वो वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं दोस्तों जैसे कि देयर। इंग्लिश ग्रामर में ये वर्ड बहुत कॉमन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टी एच ई आर वी टी एच ई आई आर देयर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, मैं ये क्लियर कर दूं आपका डाउट कि जहाँ पे टी एच ई आर ई देयर का यूज हो रहा है वो मेनली आपको डिफरेंस बताता है, इंफॉर्मेशन देता है जगह के बारे में। इसके ऑपोजिट जो वर्ड जहाँ पे स्पेलिंग देख रहे हैं आप टी एच ई आई आर, वहाँ उसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल्स के लिए यूज हो रहा है, लोगों की बात कर रहे हैं। इसी के साथ एक और वर्ड जो कि इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है, दैट इज देन, टी एच ई एन टी एच ए एन। दोस्तों, यहाँ भी आप देख रहे हो प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इसमें कंफ्यूजन क्या है कि बच्चे जब भी राइटिंग टास्क लिखते हैं या इनफैक्ट जब वो बोल भी रहे हैं तो उनका माइंड कंसेप्शन कहीं ऐसा रहता है कि टी एच ई एन टी एच ए एन में वो डिफरेंस नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। तो यहाँ टी एच ई एन से यूज होने वाला वर्ड इंफॉर्मेशन देता है किसी फर्दर काम के होने की, किसी प्रैक्टिस की जो कंटिन्यू चल रही है। वहीं पर टी एच ए एन वर्ड जो है वो यूज होता है किन्हीं दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटीज को बताने के लिए। इसी तरह से दोस्तों, और भी बहुत से होमोफोन्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं आपकी इंग्लिश लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। आज दिए गए ये कुछ एग्जांपल्स आपको हेल्प करेंगे अपनी राइटिंग, स्पीकिंग और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को सुधारने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी इस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी और आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग को फर्दर इम्प्रूव करेंगे इन टिप्स और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉलो ब्रॉडवे ए टू ई अकेडमी और आप हमारे यूट्यूब पे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो नीचे गए दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें या फिर आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।